गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो जैसा कि हमने कल ग्रामर का जो पार्ट किया था, सेंटेंस किसे कहते हैं, उसका हमारा जो एक छोटा सा पार्ट बच गया था, आज हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वाक्य यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं। कल हमने वीडियो में किया था, आपने लर्न किया होगा, लिखा होगा उसको, क्या था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा है, और उन्होंने जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी किया है। तो आप बताएं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। यस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो हमने सेंटेंस के अंदर देखा था कि जैसे कोई भी हम वाक्य बनाते हैं, सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, मेन वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट है क्या और उसके जैसे सेंटेंस के कैसे हम टुकड़े करते हैं। देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम हिंदी में अगर बताएं तो सब्जेक्ट होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। क्या है, विधेय। अगर हम कर्ता की बात करें, कर्ता, कर्ता कौन होता है, कोई भी कार्य को, एक्शन को करने वाला ही व्यक्ति कर्ता कहलाता है। ठीक है, कर्ता यानी के काम को करने वाला। और जो कर्ता कोई भी काम करता है जिसके बारे में विषय में बताया गया कि वह क्या एक्शन कर रहा है, वह है हमारा प्रेडिकेट। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, आप कॉपी पेन उठाइए और इसको लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले सेंटेंस के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। लिख लिया आपने, वेरी गुड। तो आगे है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किसे कहते हैं। लिखिए आप वाक्य का वह भाग, वाक्य मतलब सेंटेंस, इनके वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह कर्ता कहलाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुने इसको। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए कर्ता इनके सब्जेक्ट कहलाएगा, या हम लिख सकते हैं कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे हम वाक्य लेते हैं कि आई प्ले, तो इसके वाक्य के अंदर एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का, और काम कौन कर रहा है, आई यानी कि मैं खुद। तो आई क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है। एक वाक्य और लेते हैं, जैसे ही प्लेज टेनिस, तो इसमें टेनिस जो है वो एक्शन हो रहा है, और उस एक्शन को कौन कर रहा है, ही। तो ही क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, विधेय। वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह क्या कहलाता है, हमारा विधेय, या इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो राम जो है, राम कौन है, यहाँ पे राम इस कार्य को कर रहा है, इस एक्शन को कर रहा है, यानी क्रिकेट को खेलना किसके द्वारा हो रहा है, कहा है, राम के द्वारा। तो राम क्या है हमारा यहाँ सब्जेक्ट, राम है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़ के जैसे हम सिंपल असर्टिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, तो वाक्य जब शुरू होता है तो पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा पोर्शन बच जाता है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। इसके बाद जो हमने कल चैप्टर किया था सेंटेंस का, आपको उनकी और जो आज हमने करवाया है उन दोनों की मिला के एक एक्सरसाइज दी जा रही है, और आपको यह स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगी, और वीडियो के एंड में आप इसको अच्छे से देख सकेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपने इसका आंसर लिखना है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वो भी आपने आंसर लिख के हमें व्हाट्सएप पर करना है। उसके बाद जो हमने एक्सरसाइज दी है, 5 सेंटेंस हमने यहाँ पर बनाए हैं, उन सेंटेंस में क्या करना है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, यानी जो इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है उसको आपने अंडरलाइन करना है, एंड सर्कल द
प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को आपने सर्कल करना है, ठीक है। तो पांच हमारे यहाँ पर सेंटेंस है, राधा गोज टू बाजार, वी प्ले हॉकी, ही इज नॉट प्लेइंग विद अस, आई सा अ स्पैरो, और मनोज इज अ सिंगर। तो ये हमारे पांच वाक्य हैं। इसके अलावा जो होमवर्क है वो आपने क्या करना है, कल हमने सेंटेंस की टाइप करी थी, उनमें से हर टाइप के आपको पांच पांच सेंटेंस बनाने हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस तो हमारा असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव था, आपने उसके पांच पांच वाक्य बनाने हैं। दूसरा जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसके पांच सेंटेंस बनाने हैं। तीसरा जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस था उसके पांच वाक्य बनाने हैं। चौथा हमारा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके आपको पांच वाक्य बनाने हैं। और जो अंत में हमारा था कौन सा था, ऑप्टेटिव, तो उसके भी आपने पांच सेंटेंस बनाने हैं। तो हमारे पांच सेंटेंस हो गए हैं, सिंपल है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, इन सभी के आपने पांच पांच सेंटेंस बना के हमें भेजने हैं। आपका प्यार मिल रहा है, आपके मैसेज मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो अगली वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।